निब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, जुम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गोलों में कहा, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। स्टूडेंट प्रोग्राम्स, पहले एक मैसेज मैं सभी अपनी बहनों को और सभी दोस्तों भाइयों को ट्रांसफर करना चाहूँगा। स्टूडेंट आपको पता है आप अपना लेसन मेमोराइज क्यों नहीं कर पाते हैं, अचीव क्यों नहीं कर पाते, उसका रीज़न क्या है? असल में हम जहाँ होते हैं वहाँ नहीं होते, कहीं और होते हैं, या तो गुजरे हुए वक्त माजी के बारे में सोच रहे होते या आने वाले मुस्तकबिल के बारे में। अगर होते नहीं तो हाल में मौजूद नहीं होते। क्लास में जब आपको टीचर सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपका ख्याल माइंड कहीं और होता है, कब छुट्टी होगी, घर जाना है, बाजार जाना है, आंटी घर जाना है, ट्यूशन जाना है। तो आप जो भी काम करें फोकस होकर करें, अपनी टीचर को बात को गौर से सुना करें। आप ये शो देखेंगे तो ये भी आप फोकस होकर देखेंगे। आपके लिए हम बहुत अमेजिंग जैगलिंग शो सर्कस तकरीबन 30 साल से इस्लामाबाद के लिए नहीं आया, आज हम आपको प्रैक्टिकल इधर ही सर्कस दिखाएंगे स्कूल में। तालियां होनी चाहिए। आपने मैजिक बॉक्स में सब्जेक्ट पढ़ा है, आज हम आपको प्रैक्टिकल मैजिक के हैरत अंगेज ऐसे आइटम्स, ऐसे प्रोग्राम जो इंसान की अकल को गुम कर देते हैं, हैरान कर देते हैं। यकीनन मैं आप सबसे वादा करता हूँ आज के शो में आपको बहुत सारी तफरी मिलेगी, बहुत सारी मुस्कुराहटें मिलेंगी, बहुत सारी हैरत अंगेज एटमें देखने को मिलेंगी। तो तमाम स्टूडेंट से मैं अपील करता हूँ कि आपने प्रोग्राम को इन्जॉय करना है, लुत्फानंदोज होना है, जो आइटम अच्छा लगे उसके ऊपर क्लैपिंग करनी है और आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा हम आपको क्या दिखा रहे, आप क्या देंगे। तो चलते हैं अपने शानदार रंगीन जगलिंग शो की तरफ। तो दुनिया स्टूडेंट सिर्फ 3 दिन की, ओनली 3 डेज, एक दिन जो हम गुजार चुके और एक दिन ये हमेशा की तरह गुजर जाएगा और एक दिन आने वाला है, उसमें क्या होना है, क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं। तो आप सबको माफ़ करते जाओ, ज़कात करते जाओ और नमाज बकायदगी से पढ़ते रहो। सुबह शाम जितनी भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी ये सब आपको नमाज से मिलेंगी। तो यहाँ पर एजुकेशन की खिदमत कर रहे हैं इस कॉलेज में सर हक नवाज अब्बासी साहब, मैं उनका दिल की अथागिराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने आप सब बच्चों के लिए आज कॉलेज में स्पेशल हमें इन्वाइट किया सर्कस से, कि जैसे आप टीवी में शो करते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम्स करते हैं, वैसा आज हमारे स्कूल कॉलेज में आकर आप हमारे स्टूडेंट्स को एंटरटेन करें। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए मैं चाहूँगा एक शेर भी पेश करना, कि जिसे चाहो उसे एहसास खुदाई दे दो, सिलसिला प्यार का रखो तो इबादत जैसा, हम बड़े शहर में तनहा तो नहीं थे लेकिन कोई भी रिश्ता ना मिला सर हक नवाज साहब। अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला सर को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन, और इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाए, आमीन। तो तमाम टीचर्स के लिए भी मैं एक बार एक आपको मैसेज देना चाहूँगा। स्टूडेंट ये वो दरख्त हैं, ये कोई मामूली हस्तियाँ आपके सामने टीचर्स नहीं बैठे, इनके पाँव से निकल कर जनरल, कर्नल, बेस कमांडर, ब्रिगेडियर बनते हैं, मुझ जैसे आर्टिस्ट बनते हैं, फनकार बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो उस्ताद की अजमत को तराजू मेहनत हो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा। जो स्टूडेंट अपने टीचर्स का एहतराम करते हैं प्लीज अपने टीचर्स के लिए बहुत सारे। इंतजार की घड़ियां खत्म ही, मेरे ख्याल से शो शुरू करना चाहिए, करें स्टार्ट प्रोग्राम, शुरू करें, आवाज नहीं आ रही, शुरू करें। मेरे शो में बच्चे बड़े एक्टिव होकर बैठते हैं स्टूडेंट, तो पहले आपको लेकर चलते हैं हम सर्कस के पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बैनर, लेकर
वहाँ पर जगलिंग शोज किस तरह परफॉर्म करते हैं, आज आपके सामने हमारे हाथ में रिंग बॉल बोतले और आर्ट के साथ कैसे आपको बैलेंस दिखाते, क्योंकि सर्कस किसे कहते हैं, बैलेंस को। सर्कस किसे कहते हैं, बैलेंस। हर चीज का कोई ना कोई मायने होता है, मतलब होता है, तो सर्कस बैलेंस का नाम है। चले बैलेंस आपके साथ, आपकी होंगी तालियां और हमारा होगा जगलिंग। अगर आपको आइटम आग वाला ज्यादा जबरदस्त लगे तो तालियां अपने जोर के साथ। Thank you.
स्टूडेंट अभी आपको हम दिखाने लगे एक लेकिन यानी सर्कस का एक और खतरनाक खेल सर्कस बैलेंस का नाम है और बैलेंस आपके सामने स्टूडेंट आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपकी तालियों से पता चलता है। अभी आपके सामने हमारे पास अभी एक सर्कस का बैलेंस है। इसके ऊपर खड़ा होना आसान काम है या मुश्किल? आवाज नहीं आ रही। अभी देखते हैं इसके ऊपर अगर ये लकड़ी का तख्ता रख दिया जाए तो फिर इसके ऊपर खड़ा होना आसान काम है या मुश्किल? अभी आपके सामने अगर इसमें बैलेंस गलत हो जाए तो यहाँ से नीचे फिसल कर हाथ पांव भी टूट सकते हैं। अभी देखते हैं सर्कस का एक आपको खतरनाक खेल क्या पेश करते हैं सर्कस बैलेंस और बैलेंस आपके साथ तालियां आपकी। जी जी कर ये देखा बार सामने समझ बार सामने मैडम Thank you.
ऐसा खतरनाक खेल जिसमें आपकी नजरों के सामने हमारे होंठ भी कट सकते हैं, ब्लड भी आ सकता है, जुबान भी कट सकती है। ऐसे आइटम मैजिशियन चाइना की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में पेश करते हैं। चले आज आपके कॉलेज में पेश करते हैं एक हैरत अंगेज खेल। अभी आपके सामने पानी को पीते हैं और पानी को पीकर इसका आपको हैरत अंगेज खेल क्या पेश करते हैं। तालियां आपकी और म्यूजिक। एक जिंदगी मौत का खेल, सर्कस का एक बहुत ही डेंजरस खेल। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। दो स्टूडेंट मेरे पास जल्दी से स्टेज पर आ जाएं। आप आ जाओ बेटा और आप आ जाओ राजा आप इस साइड। वेरी गुड। अभी आपके सामने पेश करने लगे जिंदगी मौत का खेल। पहले इन बच्चों से थोड़ा सा तारफ हो जाए। आपका नाम क्या है भाई साहब? जल्दी से भाई। अमरूद। और आपका नाम क्या है भाई साहब? वेरी गुड। आप दोनों के लिए बहुत सारी तारीफ। अभी आपके सामने ये दो बड़े मजबूत रस्से हमारे पास हैं। चले भाई अभी आप इसको फुल, अभी देखिए ये मजबूत है, टूटे हुए नहीं है, जरा फुल जान से खींचो दोनों तरफ से। अभी आपकी नजरों के सामने होगा एक खतरनाक खेल। आप भाई साहब इस साइड पर तशरीफ ले आए और आप इस साइड पर। चले जी चले अभी आपकी नजरों के सामने जिंदगी मौत का खेल शुरू। अभी आपके सामने दो बड़े मजबूत रस्सों को गले में बंद करते हैं और ऊपर से गिरा लगाते हैं। चलें आप एक रस्से को पकड़ लें और इसको भी पकड़ लें, हेड अपने ऊपर कर लें, ज्यादा नहीं करना नहीं तो मैं भी अभी आपकी नजरों से सामने यहाँ से आजाद होना आसान काम है या मुश्किल? इसमें एक झटके में गर्दन भी टूट सकती है, जान भी जा सकती है। और अभी हम अपने इल्म फन से ताकत से आपकी नजरों के सामने कैसे आजाद होते हैं। तालियां और म्यूजिक।
के एंजॉय से गिरा है। फिर उसके बाद जब दाखिल हो गए सर्कस में मैंने खेल पेश किया और वहां पर देखने वालों की तादाद तकरीबन 3,000 से ज्यादा थी। बहुत हैरान हुए। एक शख्स ने हाल में सिगरेट लगाया। सिगरेट पीना अच्छी बात है या बुरी बात है? अभी आपके सामने मैंने उस लड़के को कहा कि आप इसको बंद कर दें। उसने बंद नहीं किया। मैंने वहीं से इशारा अपने मैजिक जादू से किया, वन टच, उसके हैंड से सिगरेट और धुएं को गायब कर दिया। कैसे गायब किया वो खेल देखना चाहेंगे? तालियां होगी आपकी। आप मेरे पास एक बच्चा जल्दी से तशरीफ ले आए। आप आ जाए भाई साहब, आप आ जाए। मैजिक आपके मुख में सिलेक्ट कर आगे मैजिक कर लीजिए। आपका नाम क्या है भाई साहब? भाई खरगोश। ये तो बहुत अच्छा है। ये आप एक सिगरेट को पकड़ ले, पीना नहीं। और साथ में सिगरेट, वेरी गुड। उड़ता हुआ धुआं और चलते सिगरेट आपको नजर आ रहे हैं बच्चों? अभी देखना कैसे गायब होते हैं आप। वन टू और थ्री। ये व्हाइट कागज, इसकी फ्रंट साइड और बैक साइड बिल्कुल साफ और खाली। अभी आपकी नजरों के सामने एक सिगरेट इस कागज में डाले, कागज जल जाएगा। अभी आपके सामने कागज को हम हटा लेते हैं। कागज को पकड़े, अब जलता हुआ सिगरेट जैसे ही मैं अपने हाथ में बंद करूंगा, यह सिगरेट और धुआं मेरे हाथ में जादू से गायब हो जाएगा। वन टू। आपकी नजरें एक मिनट के लिए की बंद और जलता सिगरेट जादू से मुट्ठी में किया बंद और हो गया बिल्कुल गायब। अभी आपके सामने हो जाएगा दूसरा सिगरेट भी गायब। ले आया सिगरेट मुझे, इसके ऊपर मैजिक करते हैं, इसको भी गायब करते हैं। वन टू और थ्री। बाजू में चलेगी। और पर जो सिगरेट गायब किए वो सिगरेट इस खरगोश की नाक में नाक से निकाले या कान से निकाले? नाक से निकाले। नाक से। एक सेकंड। हाँ ऊपर करें भाई, नाक के आराम। हम ऐसा करते हैं, हम सिगरेट इसके कान से निकालते हैं। नाक से निकाले। नाक से ऊपर देखें, ये चिड़िया घर नजर आ रहा है। अभी ये कागज फ्रंट साइड और बैक साइड बिल्कुल साफ और अभी आपके सामने ये खाली कागज को चले जी। अभी कान से जैसे निकालते हैं सिगरेट, वो भाई लगेंगे, भाई लगेंगे। एक और ये दो नजर आए आपको? नहीं, एक भी नजर नहीं आया था। ये करो एक सेकंड। ये मैडम क्या
अभी आपको हम दिखाने लगे एक मैजिक जादू की कैप का एक शानदार खेल। मेरे पास दो बेटियां तशरीफ ले आए, बच्ची बच्ची बेटियां, दो बेटे आ जाए, छोटे कोई भी, छोटे कोई भी, एक एनक वाले की छोटा ले लें जी, आप ही आ जाए, मिसाली लोग हैं ना, जिंदगी अभी आपके सामने एक और शानदार खेल आपके सामने पेश किया जा रहा है। चले भाई, आपका नाम क्या है भाई साहब? वेरी गुड। और डॉक्टर साहब आपका? अच्छा भाई, ये हमारे पास अभी एक जादू का तारा है। 1480 में चीन के एक प्रोफेसर ने इस ताले को इजाद किया और इस ताले के अंदर इस चाबी को डाल दिया। उस जमाने से लेकर आज तक दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस ताले से इस चाबी को बाहर नहीं निकाल सके। आज हमारे पास नक्शा मौजूद है। 1762 में सामरी जादूगर ने इसको खोला, खुल जाओ सिम सिम, आपके सामने आज इसको हम खोलेंगे। पहले ये बताया आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप सब एंजॉय कर रहे हैं? तालियों से पता चले। इसको चेक करेंगे, चाबी बाहर निकल सकती है? सही कर दिया। अभी आपके सामने करेंगे मैच और एक सेकंड में इस चाबी को बाहर निकालेंगे जादू से। 1 और 2 और 3 यहाँ से निकालेंगे, एक मिनट आपकी नजरें बंद करनी पड़ेगी। 1 और 2 और 3 आप सबकी हुई नजरें बंद और एक सेकंड में ये चाबी सारे से बिना काटे बाहर आ जाती है। तालियां की दर्जे अब ये तालाब चारों तरफ से बंद है, अगर इसको काट दिया जाए तो फिर ये की इसमें दाखिल होगी वरना किसी सूरत में। फिर से किया मैजिक आपके सामने, 1 2 और 3 एक सेकंड में दाखिल होगी। नजरें इसकी बंद करें, आपकी तो पहले ऐसा करते हैं, आपके सामने इस लड़के की नजरें बंद करते हैं। ये देखे हमारे पास जादू की कैप है जो अंदर से बिल्कुल साफ और खाली दिखाई दे रही है। तकरीबन ये एक व्हाइट कागज है, आप इस कागज को पकड़ लें डॉक्टर साहब। अभी बच्चों अभी आपके सामने होगा इस खेल इसका, इसकी नजरें करते हैं पर 1 2 ऊपर देखे चले जी। आप इसमें कागज डाल दें, आपको ये कागज दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड। आप बेटा ईमानदारी से देखें, इधर आगे आ जाए, ये आपको कागज नजर आ रहा है? आप इसको डॉक्टर साहब जरा आगे आ जाए, इसको निकाल कर दिखाएं, इसको कागज दिखाई नहीं दे रहा, जरा कागज निकाले भाई। तालियों की आवाज अभी आपको नजर आ रहा है? आ रहा है आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, निकाल कर दिखाएं इसको जरा, तालियों की आवाज। अभी इसकी मैं नजरें खोलने लगा हूँ आपकी नजरों के सामने। अब बेटा आपको पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा बड़ी में नजर आएगा। ऊपर देखिए, इधर सामने खड़े हो जाए, ये हाथ छोड़ते ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, काम क्यों रहे हैं भाई? काम रही है।
और जी अभी आपके सामने मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जादू का मंत्र किया है, अभी इसकी नजरें खुल चुकी हैं। चले भाई अभी आप देखें, आपको कागज दिखाई दे रहा है, निकाल कर बच्चों को भी दिखा दो तालियों के लिए। अभी हम आपको दिखाने लगे एक अंडे का शानदार खेल। ये मेरे पास अभी एक अंडा है, ये कौन लड़का लेकर आया है, हैंड ऊपर करे। क्या नाम है आपका? आई अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के लिए बहुत सारी तालियां। समझ शानू शानू एक छोटे स्टाफ की और हाथ बिल्कुल साफ और खाली, थोड़ा सा जादू का पाउडर इसमें लगाते हैं और अंडे को तोड़ देते हैं। अभी आपके सामने अंडे को मैंने तोड़ दिया, अभी यहाँ से करते हैं मैजिक। वन टू थ्री, यहाँ से अंडा बिल्कुल कागज और गायब हो जाता है, तालियां किधर चली जाती है। अभी आपको दिखाते हैं एक परिंदे का जिंदगी और मौत का खेल। हाँ स्टूडेंट एंजॉय कर रहे हैं शो को? आज आप सब बच्चे खुश हैं, फ्रेश हैं? ऐसे नहीं, सारे चारों से प्रिंसिपल खुद आकर बच्चों से पूछते हैं आपको शो कैसा लग रहा है, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। यहाँ भी सर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बहुत अच्छे घराने से तलक, बहुत अच्छा इखलाक, बहुत अच्छे मेहमानवाज, बहुत अच्छे उस्ताद सर हकनवाज अब्बासी साहब के लिए बहुत सारी शो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा, समझ में आने वाला। क्या समझ में? कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ तो नहीं आने देंगे, तभी तो कर रहे हैं। फ्रंट अच्छा, ये चीजें मुश्किल नहीं है, पर इसको को नहीं समझ आती लड़की का। हां काफ में से निकाल लेते हैं सर के लिए बहुत सारी तालियां। अभी हो रहा है फिरने का खेल आपके सामने।
आप सीखना चाहेंगे? आपको सिखा दें? चले दो स्टूडेंट इधर आकर तीन अंदाज में हंस कर दिखाएगा, उसको मैं एक आइटम बिल्कुल राजा खुराम कौन सीखना चाहेगा? फाइव तक गिनूंगा नहीं तो मैं आगे शो शुरू करूंगा। आ जाओ नहीं सीख लो, ठीक है चलो जल्दी फनकार के साथ मत आओ। ठीक है अभी आपकी नजरों के सामने। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? वेरी गुड। और आपका नाम क्या? वेरी गुड। पहले आपने इस तरीके का हंसकर दिखाना है, ये जो छोटे बच्चे बैठे कर रहे हैं, ये जो छोटे आपको नजर नहीं आ रहे वो जो पीछे बड़े लड़के बैठे हैं, ये कैसे हंसते हैं भाई? भाई नहीं, ये लड़के सारे बड़े अच्छा असल में स्टूडेंट यहाँ पर आकर खड़े होना, बात करना बहुत बड़ी बात है। ये माशाल्लाह बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है, तालियां होनी चाहिए। ऐसे एकदम स्टेज से बगैर तैयारी के किसी को बुला लेना और उससे परफॉर्मेंस करवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है और इंसान नर्वस हो जाता है, थ्रेट हो जाता है। ये बच्चे के माशाल्लाह बड़ा कॉन्फिडेंस है। आप लास्ट दफ़ा आप हंस कर दिखाएंगे, आप खुद कैसे हंस? हाँ जी आपकी तरफ आते आपने ये जो अभी बलून फटा, आवाज कैसी आई बताएं? आवाज नहीं आ रही। आपने मुंह से कहे ना तक फट, जरा जोर से यार आप मेरे कान में होली से कह देते। अच्छा चले ये बच्चे कैसे हैं? ये छोटे बच्चे कैसे हैं? मैंने उनको ये भाई ये आइटम नहीं सीखेगा, आप कोई और बच्चा आ गया। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। जो स्टूडेंट अभी कॉलेज फंक्शन में 60 सेकंड डांस इधर दिखाएगा इस म्यूजिक पे, मैं उसको भी मैच आप तशरीफ ले जाएं, आप इधर आए मेरे पास। आपका नाम क्या है भाई साहब? मोहम्मद। आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, आप इसको अप्रिशिएट करते हैं भाई? आपको हम एक बहुत खूबसूरत आइटम सिखाएंगे बाद में, आप अभी आपके लिए एक और अमेजिंग मैजिक होगा। तालियां आपके साथ। ये कागज का मैजिक आपके सामने, इस पेज को आपकी नजरों के सामने हम क्या करते हैं? 1, 2, 3 आपके सामने क्या किया हमने इसको? आवाज नहीं आ रही। गुड। अभी आपके सामने कितने टुकड़े कर लिए? 3। अभी इन 3 टुकड़ों को आपकी नजरों के सामने गायब कर दें या अभी इसी जगह पर जोड़ दें? तालियां आपके साथ हमने म्यूजिक कर दिया। 1, 2, 3 आप
बिल्कुल साफ और खाली। जादू का पाउडर जोड़ देगा एक सेकंड में, ये लीजिए जोड़ के सारे मुट्ठी में तीनों टुकड़े, और आपकी तालियां की गई। आप एंजॉय कर रहे हैं शो को? दोस्त हमारी दुआ है अल्लाह ताला सर को दिन तुम रात रखी दे, इस कॉलेज को ये यूनिवर्सिटी बनाए, बोलो आमीन। तो मजा आया सबको, फ्रेश है, खुश है। तो लास्ट में चलते चलते एक साथ एक बात नहीं नारा भी लगाएंगे, बल्कि एक वादा भी करेंगे कि जो ख्वाब आपके माँ बाप ने आपके लिए देखा है आपने उसको पूरा करना है, करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते चलते एक नारा भी होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ हमारा उठो ना गाइस, हमको जादू सिखा दे, जादू सिखा, बैठे हो बैठे।